नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड की। आपको बता दें, इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी जा रही है, जिसमें आपको इस साल का पहला डिविडेंड और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए तीसरा डिविडेंड घोषित करने जा रही है। वेदांता लिमिटेड अभी 352 के आसपास कामकाज कर रही है। पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 70% का रिटर्न है। एक अच्छा स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो पर रख सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं वेदांता को, आप चाहें तो निचले स्तर से आप एकोमोडेट कर सकते हैं। टारगेट की बात हम आगे करेंगे कि कौन सा लेवल पे आपको सपोर्ट मिलेगा, जहां पे आप बाई कर सकते हैं और कहां पे आप सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो आपको दो बार डिविडेंड दिया गया था। दोनों आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए दिया गया था। पहला डिविडेंड आपको सितंबर में 18.50 रुपए का था, उसके बाद दिसंबर में आपको 13.5 रुपए का आपको डिविडेंड दिया गया था। तो चलिए आगे चल के देख लेते हैं लेटर में कौन सी डेट पे हमें नजर रखनी है और हमारे लिए क्या रिकॉर्ड डेट है। तो 23 फरवरी 2022 का ये लेटर एक्सचेंज को नोटिफाई करते हुए बताया गया है कि आपको 2 मार्च 2022 को इनकी तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें आपको तीसरा डिविडेंड का अमाउंट अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रहता है तो वो आपको यहाँ अनाउंस किया जाएगा। अगर रिकॉर्ड डेट की बात करें तो पहले ही दे दी गई है, 10 मार्च 2022 की रिकॉर्ड डेट है। वेडनेसडे 9 मार्च 2022 की आपको एक्स डेट है। और जिन लोगों को लास्ट डेट तक अगर परचेस करना चाहते हैं डिविडेंड के लिए, तो उनके लिए आपको 8 मार्च 2022 तक आपको परचेस कर लेना होगा। चलिए आगे चल के हम टेक्निकल चार्ट पे भी देख लेते हैं कि लास्ट जब सेकंड डिविडेंड का अमाउंट घोषित हुआ था, वहां से लेके अब तक हमारा कैसा कामकाज रहा, या सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का लेवल कैसे हमें बना हुआ था और उस पर अभी तक मार्केट ने अप्रोच किया है या नहीं किया है, वो भी हम जान लेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे बात किया था, तब मैंने आपको बताया था कि 320 के लेवल पे पहला सपोर्ट है नीचे की तरफ, उसके बाद ऊपर की तरफ 335। तो जो लोग पहले से बैठे हुए हैं और टारगेट के लिए आप देखना चाहते हैं, उनको मैंने पहले बताया था 372 पे आपको पहला टारगेट मिलेगा, जिसको आपको बुक कर लेना, पार्शियल बुक करें। अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं तो 390 तक के लिए टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं। 390 तक का टारगेट तो नहीं मिला, लेकिन 385-386 का हाई लगा के आपको ये वापस आते हुए दिखा है। तो अभी इस डिविडेंड के अमाउंट के साथ या स्टॉक में कहां पे एंट्री लेनी चाहिए, उस पर हम बात कर लेते हैं। अभी ये 352 के आसपास कामकाज कर रहा है। अभी आपको एक दो ट्रेडिंग सेशन इसमें छोड़ना पड़ेगा, उसमें देखना है 335 से 340 का लेवल आपको मिलता है तो आप यहाँ पर अपनी पहली थोड़ी सी आप क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। अगर 335 अगर आपको नीचे की तरफ टूटता है तो आपको 320 के आसपास, 315 से लेकर 320 के बीच में एक मेजर आपको डिमांड का जोन है जिसको ये फुलफिल बहुत तेजी से करता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने बाय की क्वांटिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं अगर यहाँ पे मिलता है तो, और इसके नीचे अगर आपको है ना काम काज करने लगे तो अवॉइड करने में मेरी ज्यादा राय रहेगी। अगर वेदांता में 335 के नीचे की अगर आपकी बाइंग है तो आपको पहला टारगेट 355 पे आपको पहला है, चाहे यहाँ पे पार्शियल या फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऊपर के लिए 372 तक के लिए बैठ सकते हैं इस डिविडेंड के लिए। अगर लॉन्ग टर्म में फिर बैठना चाहते हैं तो 372 और 390 तक का, 385 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर देगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है काइंडली कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।